जिंदगी में हम वही चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था, बस ये थोड़े दिन और जीकर मैं इतना तो जान गया हूं जीने के लिए बस एक ही वजह काफी होती। क्या हो चुकी है राधे श्याम रिलीज? क्या मूवी एक के बाद एक तोड़ रही है सभी रिकॉर्ड? कैसे मनाई प्रभास के फैंस ने मकर संक्रांत? दोस्तों, बाहुबली थाली से लेकर प्रभास के नाम के टैटूज बनवाने तक फैंस कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं ये दिखाने का कि वे प्रभास से कितना प्यार करते हैं। और इस बार तो अपना प्यार दिखाने के लिए प्रभास के फैंस बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स ही चले गए। जी हाँ दोस्तों, इस साल मकर संक्रांत के अवसर पर प्रभास के फैंस ने दिया उन्हें अपने स्टाइल में एक माइंड ब्लोइंग सरप्राइज। संक्रांत के शुभ अवसर पर प्रभास के फैंस ने स्पेशली ऑर्डर पर राधे श्याम के पोस्टर की काइट्स बनवाई और ये काइट्स पूरे इंडिया में उड़ाई। साउथ साइड के फैंस ने तो पूरा सोशल मीडिया ही इन काइट्स की तस्वीरों से भर दिया। दोस्तों, ये सब देखकर इतना तो क्लियर हो चुका है कि अब चाहे फिल्म कितनी भी लेट रिलीज हो, लेकिन दर्शकों की फिल्म के लिए एक्साइटमेंट बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली है। आपको बता दें कि मूवी का ट्रेलर तो ऑलरेडी 4 साल पहले बना बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ ही चुका है, लेकिन अब ट्रेलर के साथ साथ फिल्म का नया गाना आशिकी आ गए भी तोड़ रहा है कई सारे रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, अरिजीत सिंह के इस लव बैले को 24 घंटे के अंदर अंदर 20 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया है, जो कि अपने आप में एक ऑल टाइम रिकॉर्ड है। साथ ही बता दें कि इस गाने के रिलीज होने के 15 मिनट के अंदर अंदर इसे 1 लाख से भी ज्यादा लाइक्स मिले हैं, जो कि किसी भी बॉलीवुड सॉन्ग के लिए एक काफी बड़ी अचीवमेंट होती है। गाने में प्रभास अपने लुक्स और पर्सनालिटी से सभी को घायल कर रही हैं, वहीं पूजा हेगड़े भी गाने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। बता दें कि प्रभास और पूजा गाने में रोमियो और जूलियट का किरदार निभा रहे हैं और प्रभास और पूजा का ये लुक फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। कुछ समय पहले US में फिल्म राधे श्याम का प्रीमियर इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। हालांकि ये प्रीमियर इवेंट एग्जैक्टली किस लोकेशन पर ऑर्गेनाइज हुआ था, इसकी डिटेल्स अभी रिवील नहीं की गई हैं, लेकिन फैंस सोशल मीडिया पर प्रीमियर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कुछ फैंस का तो कहना यह है कि प्रभास को इतने टाइम तक स्क्रीन पर दर्शकों का वेट कराना काफी वर्थ इट था और इस बार प्रभास की फिल्म में एक्टिंग भी काफी धमाकेदार है। वेल, US में तो प्रभास की एक्टिंग सभी को काफी पसंद आई, लेकिन प्रभास की एक्टिंग और फिल्म को इंडिया में कैसा रिस्पॉन्स मिलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और दिलचस्प गॉसिप के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।